हाय फ्रेंड्स, दोस्तों लाइफ में आपको किसी का पानी मापना हो ना कि वो बंदा कैसा है, अच्छा है नहीं अच्छा है, उसका जन्म कुंडली निकलना हो, तो मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ। उनको कभी ना कुछ चीज़ दो, उसको वो जो चाहता है उसको दो कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, ज़रूरत है, मेरे को दे दो उसको 2-3 हज़ार। फिर उसके पास डेट मांगोगे तो कौन सी डेट पे मेरे को देगा, वो बोलेगा 10 दिन में मैं दे ही दूंगा, श्योर दे दूंगा। बोले पक्का पक्का अब दे दो। फिर वो बंदा 10 दिन के बाद आप पेमेंट लेने जाओ और वो जो ना दे तो समझना थोड़ा गड़बड़ है। फिर वो दूसरा तारीख देगा आपको, फिर ना दे तो समझ लो, और तीसरी बार समझ लेने का वो रोल है इंसान, तो समझ जाने का कि वो इंसान गलत है, नेगेटिव है, ब्लॉक है। अब उसके साथ बड़ा काम मत करना क्योंकि आपको भी फंसा देगा, और हमारी ऐसी एनर्जी, हमारे पैसे लेने में हमारी एनर्जी चली जाती है। उससे बेटर ये छोटे छोटे इंसानों में ब्लॉक मत कर लेना, नहीं तो हमारी पूरी ऊर्जा उनमें ही चली जाती है और फिर हम अपना काम तो नहीं कर पाते, हमारी क्रिएटिव, हमारी एनर्जी को बिगाड़ते हैं और हमारे वाइब्रेशन को ब्लॉक करते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान हो जाए। इसलिए कोई भी इंसान को चेक करना हो तो ये टेक्निक से चेक कर सकते हो, उसको पहले दे दो जो भी कुछ दो, फिर हमें पता चलता है कि वो टाइम पे देता है कि नहीं। और जो इंसान टाइम पे सब कुछ जो चाहता है वो दे देता है, अपने टाइम पे दे देता है, और आप किसी को कुछ दो और एक बार मांग लिया और वो दे दिया तो समझो वही एक जेन्युइन पक्का एक ऑनेस्ट इंसान है। यही रीत है, यही टेक्निक है। और आप बिजनेस भी करो तो ये टेक्निक से करो तो आप देखोगे कि आप बिजनेस में भी अपना इतना माइंड जो है आपका जो बिगड़ेगा नहीं। ज़्यादातर क्या होता है, पेमेंट लेने में माइंड बिगड़ जाता है यही, और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं लाइफ में, ठीक है। तो आपको जब भी आप कोई बड़ा काम करो तो ये पद्धति से काम करो, मैंने जो सिखाया, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट, थैंक यू सो मच।